सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 फायर वॉल ब्लू कलर है। तो गाइस इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, कितने आपको माइल मिलती है, सिटिंग कंफर्ट कैसी मिलती है, सस्पेंशन कैसा दिया हुआ है इस बाइक में, ओवरऑल इस गाड़ी बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो से लास्ट बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक इस बाइक की हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 जो फायर वॉल ब्लू कलर है इसका कितना ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 265,000 से 266,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सुबह से हो गए इसके प्राइसिंग की बात, अब बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिला है कम्प्लीटली, आपको यहाँ पर हेलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पे हेडलाइट सेटअप मिलती है। अभी भी इसमें एलईडी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे एलईडी डायल्स आपको आ जाती है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। राउंड शेप में आपको यहाँ पे हेडलाइट आपको मिल जाती है और जो टर्न सिग्नल आपको मिलता है बल्ब टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके का आपको ऑन होती हुई दिखती है, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, राउंड शेप में आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर की जाती है टेलीस्कोपिक 41mm फोक 130mm ट्रेवल टाइप का आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको मिल जाती है। तो राइडिंग कम्फर्ट आपको इसमें जो काफ़ी बढ़िया आपको देखने मिलेगा जिसको लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप देखें तो जो फेंडर आपको मिलती है फाइव बॉडी का आपके यहाँ पे फेंडर मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ अवेलेबल है। तो फ्रंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो फ्रंट में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है 300mm का आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेकिंग मिलती है, एबीएस का चैन दिया गया है। और फ्रंट में आपको जो कैलिपर आपको मिलता है टू पिस्टन वाले आपको कैलिपर आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है जो कि बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। और वी साइज की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो वी साइज मिलती है 19 इंच का वी साइज दिया गया है। और इसमें आपको जो टायर मिलती है 100/90 के आपके यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लग मिलती है। और अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको एलो कलर की टैपिंग देखने को मिली है तो काफ़ी बढ़िया लग रही देखने में। तो गाइस आपको ओवरऑल यह बाइक कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं जैसे इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल निकल के आती है। यहाँ पे आपको लेग गार्ड एसेसरीज का पार्ट है कुछ इस तरह के मिलते हैं, बढ़िया इसमें दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो एग्जॉस्ट इसमें आपको मिलती है, क्रोम का नहीं मिलता है, इसमें मैट फिनिशिंग के साथ मिलती है, मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। फुट पैड्स आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको मिल जाती है, ब्रेक पैडल भी आपको अच्छी क्वालिटी के इसमें ऑफर किया गया है। और जो इंजन आपको मिलती है पूरा आपके यहाँ पे ब्लैक आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आपको ब्रांडिंग मिलती है। और साइड फाइल में ग्लॉसी ब्लैक और मीटियोर 350 की आपको ब्रांडिंग मिली है। और चेकआउट करते हैं इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो भाई आपको रियर में जो सस्पेंशन मिलती है ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर आपको मिलती है जिससे आप 6 स्टेप तक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रियर में आपको सस्पेंशन मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको इस गाड़ी में जो सस्पेंशन मिलती है काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाती है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ अवेलेबल है तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है 270mm का आपके यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, इससे से ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। और वी साइज की बात करें तो रियर में आपको जो वी साइज ऑफर की जाती है 17 इंचेस का आपको वी साइज मिल जाती है। और रियर में आपको जो टायर ऑफर की जाती है 140/70 सेक्शन के आपके यहाँ पे काफ़ी वाइड टायर इसमें आपको मिल जाती है। तो इससे से आपको इसकी रियर प्रोफाइल निकल जाती है, जैसा कि फ्रंट में आपको 19 इंचेस का व्हील मिलती है, रियर में आपको 17 इंचेस का व्हील मिल जाती है जिससे आपको जो क्रूजिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो इससे से आपके यहाँ पे फ्यूल टैंक लग मिलती है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग मिलती है कुछ इस तरीके से दिया गया है, एलो कलर में आपको मिलती है, बढ़िया लगे देखने में। फ्यूल टैंक आपको ब्लू कलर में मिल जाती है। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है जो लीड दिया गया है E20 की ब्रांडिंग। और हैंडलिंग भाई आपको जो मिलती है प्रॉपर क्रूजिंग वाली आपको यहाँ पे हैंडलिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स मिल रहा है, ऊपर आपको इन्फो बटन्स, हाइब्रिड लोविंग पासिंग लाइट का स्विच, टच सिग्नल हॉर्न का स्विच दिया गया है, ग्रिपिंग आपको शानदार मिल जाती है। और वही बात करें इसके राइट साइड में तो राइट साइड में आप नोटिस करेंगे तो आपके यहाँ पर इंजन स्टार्ट का बटन और हेजार लाइट का फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है डिजिटल प्लस एनालॉग का इसमें कंबिनेशन दिया गया है, ऊपर आपको किलोमीटर मिल जाती है, स्पीडोमीटर और डिजिटल मीटर में आपको डिजिटल क्लॉक, ट्रिप डिटेल्स, इको इंडिकेशन, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ओडोमीटर चेकआउट कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हालांकि इस मॉडल में आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अब आते हैं इसके सीट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो सीट मिलती है स्प्लिट टाइप का इसमें सीट दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है इस बाइक में 765mm का आपके यहाँ पे सीट हाइट मिल जाती है,
तो इस तरह से आप देखें जो राइडर सीट है कुछ इस तरह की दी गई है, और जो पिलियन सीट है कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे सीट मिले थे। तो कंफर्ट आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, और यहाँ पे आप देखें तो पिलियन बैकरेस्ट भी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें आपको जो सिटिंग कम्फर्ट मिलने वाली है काफ़ी बढ़िया आपको कम्फर्ट यहाँ पर मिल जाती है। अब चेकआउट करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल जाती है। जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दिया गया है। रियर फेंडर आपको कुछ इससे मिलते हैं, मैट लेकर दिया गया है, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो गाइस आपको इसका रियर प्रोफाइल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से ये टेल लाइट जब ऑन होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे 1000 लाइट का मैंने फंक्शन को ऑन कर दिया है, तो इससे काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन स्पीड के बारे में, तो इसमें आपको जो इंजन ऑफर की जाती है 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको यहाँ पे इंजन ऑफर की जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 20.2 BHP की पावर जनरेट करती है 6100 RPM पे। और मैक्स टॉर्क की बात करते हैं, इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 27 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है। और जो गियर बॉक्स ऑफर किया गया है इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स आपको लगी मिलती है। साइड इसे इंजन कट आपका इसमें फीचर दिया है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इस बाइक का जो कार्बेट आपको मिलता है 191 kg का इसका कार्बेट दिया गया है। सीट हाइट आपको जो मिलती है 765 mm का इसमें सीट हाइट आपको मिल जाती है। ग्राउंड किस की बात करते हैं, इसमें आपको जो ग्राउंड किस मिलती है 170 mm का आपके यहाँ पे ग्राउंड किस मिल जाती है। और ओवरऑल लेंथ आपको मिलता है 2140 mm का इसमें ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 845 mm का इसमें विड्थ दिया हुआ है। और व्हील बेस जो आपको मिलती है 1400 mm का इसमें आपको व्हील बेस आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, तो रॉयल एनफील्ड मीटोर 3 में आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 25 से 30 KMPL की आपको यहाँ पे माइलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक बार फिर से इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 265,000 से 266,000 के बीच में यह बाइक कम्प्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा 2024 मॉडल रॉयल एनफील्ड मीटोर 350 फायर वॉल ब्लू कलर का डिटेल भी, जिसमें हमने आपको बता दें कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सदा ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन मिल को ऑन करें, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस कर सकें।